नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के व्लॉग में। तो आज 28 तारीख आज हमारा बनारस में आखिरी दिन है क्योंकि कल सुबह की फ्लाइट है, वापस दिल्ली चले जाएंगे। ये 3-4 दिन कैसे बीते बिल्कुल पता ही नहीं चला, इतना मजा आया बनारस में। तो जो कार्यक्रम का स्थल है यहाँ से करीब आधा घंटा दूर है, ठीक है। तो पापा ने बोला कि 3-3:30 बजे तक रेडी हो जाना क्योंकि 4 बजे तक पहुंचना है वहाँ पे। आज भी यज्ञ होगा, काफी कुछ आज भी होगा, तो आपको आज के व्लॉग हम पूरा दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट मंगा लिया है। काफी लेट नाइट हुआ था मैं कल रात में क्योंकि व्लॉग एडिट करना था और अपलोड करने में काफी समय लगता है इसको। यहाँ का इंटरनेट बहुत खराब है, 1 Mbps से भी कम का स्पीड दे रहा है यहाँ पे। तो व्लॉग भी अपलोड कर दिया मैंने सक्सेसफुली एकदम, और अपना ब्रेकफास्ट आ गया इतना सुंदर सा, वाटरमेलन जूस, इधर मेरे लिए ब्रेड टोस्ट, और सनी नहा धो के सो गया दोबारा। तो जल्दी से खा पी लेते हैं, उसके बाद 2-3 घंटा रहेगा बिल्कुल एकदम रेस्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से सीधा कार्यक्रम स्थल पे। मेरे प्रिय दर्शकों, हम हो चुके हैं तैयार। यो, और बाहर का मौसम आपको दिखाऊं तो इतना बढ़िया हो रहा है ना, मतलब बढ़िया इन द सेंस क्या बोले कि बहुत काले बादल छा चुके हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। भरभरा के कैसे नहीं, भरभरा के हो सकता कभी भी बारिश, बिल्कुल गाइज। गाइस, पापा का कॉल आ चुका है कि नीचे आ जाओ सब लोग, गाड़ी आ चुकी है हमारी, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं, मम्मी ने अपने लिए मंगाया था वाटरमेलन जूस, तो मम्मी ने आधा पी आधा छोड़ दिया, तो मैं इसे कंप्लीट कर रहा हूँ। अरे यार, आई एम अ प्रो व्लॉगर। अच्छा चलिए चलिए चलिए, तो हम निकल चुके हैं कार्यक्रम स्थल के लिए। यहाँ से करीब 15-20 मिनट लग जाएगा हमें वहाँ पहुँचने में, तो जल्दी से चलते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए। और आज सारा देश मैथिली के नाम से मिथिला की रंगी, मिथिला की बेटी, मिथिला की धरती ने क्या नहीं किया, इतिहास किया। मैथिली साहब ठाकुर जी उपस्थित हो रहे, जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन, ताली तो ऐसी बजाइए पूरा मिथिलांचल गुंज जाए, ताली बजे बनारस में और सुनाई पड़े मिथिला में, इतनी जोर से ताली बजाइए। देवी भारती अनुजी सब अजाची करते
हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए और रास्ते में भैया ने बोला कि कुल्हड़ वाला चाय तो आपको पीना जरूरी है, तो वो नीचे उतरे हैं और चाय लेके आ रहे हैं। देखिए तो मुझे सर्दी हो गया था, ठीक है, तो फर्स्ट चाय का सेप मैं मारता हूँ ना, साथ मारते देखते कैसा है। बहुत टेस्टी है ये, देखते किसको चाय भी नहीं पीने आता है। देखो आहा, जैसे लग रहा है मिठाई जैसा है कुछ, तृप्त हो गए एकदम, मस्त मस्त मस्त। मैंने ना ऋषभ भैया का इतना बढ़िया टी शर्ट और महंगा टी शर्ट खराब कर दिया। इतना स्पीड गाड़ी चला था ना एक बीच में कि सारा छलक गया था चाय। यानी प्लीज मेरा इंटेंशन समझो, मैं जानबूझ के नहीं किया। आई विल थूर दे बहुत और आ अब लोग आयु वाराणसी काशी दर्शन के लिए आए थे। समय में वो मंगल आरती और ये सब रुद्राभिषेक किया बहुत देर, वो भी सावन सोमवार। रुद्राभिषेक वाला भी वीडियो मैंने देखा, जो दादाजी बहुत फैन है आपके, वो कम से कम 4 साल से फॉलो कर रहे हैं जी। मम्मी में था, मैं उस समय मुंबई एयरपोर्ट पर, तभी मैं एक हमारे फ्रेंड ने आपका वीडियो भेजा था, वो जो है फर्स्ट टाइम सुना था उसको मैंने 10 बार सुना, फिर उस टाइम से फिर हमने बराबर। गाइस हम हैं अभी बनारस एयरपोर्ट के लॉन्च में बैठे हुए और फ्लाइट आ चुकी है अपनी, तो सबसे पहले बोर्डिंग हम ही कर लेंगे। Take me there, it makes me feel free, alright.
गाइस हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं और बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर। पहुंच गए फाइनली। तो T3 एयरपोर्ट इतना बड़ा है ना, चलना बहुत पड़ता है इसमें।